चलो आज बनाते हैं सुपर डिलीशियस सुपर हेल्दी दाल का पिज्जा, वो भी घर पर। ये पिज्जा कितना भी खा लो यार नहीं हो गया मोटे छोटे। तो चलो बनाते हैं दाल का पिज्जा। सबसे पहले आपको आधा कप मूंग दाल लेनी है, उसमें 2 चम्मच चावल ऐड करना है और ये दाल चावल को अच्छे से पानी से धो लेना है। जब ये दाल चावल धुल जाए उसमें पानी ऐड करके इसको 3-4 घंटे के लिए धो के रखना है। ये हमारे दाल चावल अच्छे से भीग चुके हैं। दाल चावल को कसरत आइटम में डाल देना, फिर इसमें 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको पीस लें। स्वाद के अनुसार नमक डालें और इसको अच्छे से मिला लें। अब बनाते हैं फटाफट से पिज्जा। पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले आप कढ़ाई को ग्रीस कर लीजिए, फिर आपके पास जो भी ग्लास हो छोटी सी उसको भी ग्रीस करके कढ़ाई में उल्टा रख दीजिए। फिर डालेंगे दाल का बैटर, कटे प्याज, शिमला मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, ओरेगानो और चीज। पिज्जा को मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। अब ये पिज्जा बनकर रेडी हो गया है। यकीन मानिए ये दाल का पिज्जा ट्रेडिशनल पिज्जा से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इसमें दाल का टेक्सचर और फ्लेवर ऐड होता है। यह एक यूनिक टेस्ट है ट्रेडिशनल पिज्जा के साथ। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।